लंबे समय के बाद बुधवार की रात्रि को नवागत थाना प्रभारी की सक्रियता के चलते अवैध शराब का परिवहन करते हुए एक अल्टो कार को पकड़ा गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर बैतूल हाईवे मार्ग पर नेमावर की ओर से अवैध रूप से अल्टो कार में भरकर शराब लाई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह बागली, SDOP राकेश व्यास के मार्गदर्शन में नवागत थाना प्रभारी दीपक यादव की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर एक अल्टो कार को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर अल्टो कार में से 9 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। अल्टो चालक द्वारा गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल कर अंदर रख ली गई थी, जिससे कि कोई गाड़ी को ट्रेस नहीं कर पाए। वहीं मौके से एक आरोपी राहुल सैंधव को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। मिली अवैध शराब जब्त की गई, क्या है पूरा मामला? नवागंतुक TI दीपक अपने पड़ोसी के साथ नेवार रोड पर चेकिंग कर रहे थे। सामने से नेवार की तरफ से एक सफेद अल्टो आती दिखी, उनको रोका, लेकिन रोकने पर ड्राइवर भाग गया उसमें से। इसे इसको पीछा करते राहुल को पकड़ा, गाड़ी को चेक किया। गाड़ी बिना नंबर की थी, उसमें 2 नंबर प्लेट आगे पीछे की मिली है और 9 पेटी अंग्रेजी शराब और गाड़ी से 6 लाख रुपये कीमत की है, जिसमें 34 लोगों का मुकदमा गया और हरेंद्र भी गाड़ी में बैठा हुआ था जो भाग गया है, जिसकी गिरफ्तारी भी शेष है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।